नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेयर बाद में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेरा इन्वेस्टमेंट की। जी हाँ, यहाँ पर आपको पता है लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं और यहाँ पर ESM 2 की चपेट में आ चुका है। बहुत सारे लोग शेयर बेच नहीं पा रहे होंगे, तो शेयर कैसे बिकेगा, ESM की स्टेज 2 से कब निकलेगा, सब पे चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको पता है, चाहे सेरा इन्वेस्टमेंट हो, चाहे अक्षिता कॉटन हो, चाहे गोयल एल्यूमिनियम हो, ये तीनों स्टॉक ऐसे रहे हैं जहाँ पर खूब सारे स्कैमर्स ने स्कैम किया है और इसको काफ़ी ऊपर ले जाके डंप किया गया है और बहुत सारे लोगों का पैसा फंस गया है। और यही देखिए, आप जैसे व्यूअर हैं, इन्होंने हमको कमेंट करके बताया तो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और ये आप सभी की भी, आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, कहीं कुछ किसी शेयर में ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। क्योंकि मार्केट में इतने सारे शेयर्स हैं जिनको हर एक शेयर पर रेगुलर वॉच रख पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होती है। तो आप लोग अगर हमें बताएंगे तो मैं कोशिश करूँगा उन पर सारी चीज़ें आपको आपके सामने लेके आऊँगा, और हो सकेगा तो बच भी जाएंगे उसमें फंसने से आप, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल लगाइए, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से एग्जैक्टली सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कोई टिप वगैरह नहीं देता हूँ, ना ही मैं टिप पर विश्वास रखता हूँ, और आपको भी यही सलाह देता हूँ कि बच के रहिए, नहीं तो आप अपनी कैपिटल को गंवा बैठेंगे और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं डालता हूँ और अपने वीडियोज़ के लिंक वगैरह शेयर करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जियो फाइनेंशियल पर वीडियो डाला, बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही बड़ी न्यूज़ भी है। यहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ, क्या कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू करने वाले थे, उसके लिए सेबी ने अप्रूवल दे दिया है। तो यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। और बहुत सारे पैनी शॉक्स में मैं एनालिसिस करता रहता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये देखिए, आप यहाँ पर आपको ESM की स्टेज 2 में दिख रहा है, और ESM की स्टेज 2 में अपर सर्किट लगना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये नॉर्मल रिटेलर्स लगवा भी नहीं सकते हैं, यहाँ पर बिना ऑपरेटर्स के सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ESM की स्टेज 2 में आने का मतलब यहाँ पर पीरियोडिक कॉल ऑप्शन चल रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है पीरियोडिक कॉल ऑप्शन, आप यहाँ पर रेगुलर ट्रेडिंग नहीं होती है, यहाँ पर आपको हर घंटे ऑर्डर लगाना होता है। अगर आपको शेयर बेच के निकलना है तो भी बहुत मुश्किल होता है, प्राइस मैचिंग होती है। मैंने ESM की स्टेजेस पर बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, लगभग 15,000 से ज़्यादा लोगों ने उसको देखा भी है। तो आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगे ESM क्या होता है तो आपको मेरा ही वीडियो टॉप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। बाकी ESM की स्टेज 2 में आने का मतलब भाई ये लाई ही इसीलिए गई है स्टेजेस, ESM इनहेंस्ड सर्विलांस मेजर लाया ही इसीलिए गया है सेबी के द्वारा, ताकि यहाँ पर ऑपरेटर्स को कंट्रोल कर लिया करा जा सके। क्योंकि लगातार ये शेयर्स भागते रहते थे और बहुत बुरा लोगों को फंसा देते थे, और ये ESM की स्टेज 2 में होने के बाद भी यहाँ पर ये खेल इसमें चल रहा है, 35 रुपये तक आ चुका है। प्राइस बैंड देखिए, यहाँ पर जब ESM की स्टेज 2 में आ जाता है तो 2% का हो जाता है, यानी कि 2% से ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा सकता और 2% से ज़्यादा ये नीचे नहीं जा सकता। यहाँ पर बाकी चीज़ें आप देखेंगे, देखिए कितनी बढ़िया लक्रेटिव है। यहाँ पर मार्केट कैप 228 करोड़ का, ठीक है। ROCE की बात करेंगे 28.6%, बढ़िया दिख रहा है। ROE की बात करेंगे, बढ़िया दिख रहा है। प्रमोटर होल्डिंग 56%, बढ़िया दिख रहा है। डेट देखिए बहुत कम, 19.4, जो कि डेट टू इक्विटी बनाता है 0.29, तो सब अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ नहीं है वो है क्या, मार्केट कैप। देखिए जो हम जैसे, आप जैसे जो बहुत सारे रिटेलर्स होते हैं जिनको थोड़ी सी जानकारी मान लीजिए कम होती है, वो उनको लगता है यार ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और ऑपरेटर्स भी इसी तरीके के शौक से पकड़ते हैं कि ये भैया बेसिक चीज़ें को देखी, और वहाँ पर रिटेलर जो होता है कूद पड़ता है लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने शुरुआती जो वीडियो में बना रहा हूँ तब से बता रहा हूँ मैं आप सभी को, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर पूरे शेयर में कोई होती है जो सबसे पहले नंबर पे आपको देखनी चाहिए, वो है मार्केट कैप। मार्केट कैप देखिए कितना छोटा है, 228 करोड़ का मार्केट कैप, नॉर्मल सा नॉर्मल तुच्छा सा भी ऑपरेटर जो होगा इसको ऑपरेट कर देगा। तो मार्केट कैप 500 करोड़ से कम वाली कंपनियों के लिए तो ESM की स्टेजेस लाई गई हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 500 करोड़ से कम है, इसीलिए ESM की स्टेज 2 में है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा। इंडस्ट्री का पी आपको 22 दिख रहा है, स्टॉक का पी 11, इसके हिसाब से आपको सस्ता देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देखिए 10.30 रुपये के आसपास है, यहाँ से आपको लगभग 3.5 गुना देखने को मिल रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू 17.40 रुपये, वहाँ से आपको ऑलमोस्ट डबल देखने को मिल रहा है। 10.80 रुपये का लो लगा था, 36.60 रुपये का हाई लगा था, बिल्कुल अपने 52-वीक हाई के आसपास ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, यहाँ पर प्रमोटर 70-70-70 के बाद दिसंबर से मार्च में हुए 64 और मार्च से जुलाई में हुए 56, तो प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग तो लगातार बेचकर निकल रहे हैं। और पब्लिक देखिए, पब्लिक लगातार बढ़ती जा रही है, अभी 43.95% है। ना यहाँ पर FIIs हैं और ना यहाँ पर DIIs हैं, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ जिस शेयर में पब्लिक बहुत ज़्यादा उस शेयर में उतना ही ज़्यादा रिस्क। और यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखिए कितने कम है, तो यहाँ पर आप सोचिए 878781, अभी मात्र 8193 आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स काफ़ी कम है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, वीडियो को पॉज करके आप देखिए, सब आपको पॉजिटिव अच्छा अच्छा देखने को मिल रहा है, और इसीलिए थोड़ा बहुत भागता भी और थोड़ा बहुत इसी तरीके के जो स्टॉक्स होते हैं उनको ऑपरेटर्स पकड़ लेते हैं और उसको ऊपर नीचे करते रहते हैं। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बाकी मशीन जनरेटेड मैं तो बता ही रहा हूँ। शेयर होल्डिंग देखिए, तो यहाँ पर आपको इतने प्रमोटर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सब प्रमोटर्स हैं, और बचा हुआ मामला पूरा जो है पब्लिक के पास है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ठीक ठाक स्टेक लेके ये बैठे हैं, जब ये बेच के निकलेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी।
यहाँ पर आपको पूरा पब्लिक देखने को मिल रही है। यहाँ पर लास्ट डेट की बात करेंगे अगर हम लोग बल्क डील की, तो यहाँ पर जुलाई में देखने को मिली थी, यहाँ पर फिर उसके बाद जून में देखने को मिली थी। और यहाँ पर देखिए इन्होंने सबने बढ़िया परचेज किया है, फिर सेम डे सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो यहाँ पर ये सारी बल्क डील्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं किस रेट पर किसने क्या लिया है, कितने शेयर लिए हैं। रिटर्न की बात करेंगे तो बंपर रिटर्न ईयर टू डेट में 106%, एक वीक में -0.14, एक महीने में 40% के बंपर रिटर्न दे रखे हैं, तीन महीने में 78% के मासिव रिटर्न, छः महीने में 132% भाग चुका है, एक साल में 234% रिटर्न दे रखे हैं, दो साल में -28, तीन साल में 193% रिटर्न। कोई शेयर जब इतना ज़्यादा भाग जाता है छः महीने में, तो आप देखिए एक साल में इतना, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि भैया अगर प्रॉफिट ऑफिट में हो तो बेच के निकल सकते हैं अपना, इतनी ही क्वांटिटी रखिए इस तरीके के शेयर में, जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। वॉल्यूम देखिए मात्र 53,000, शुक्रवार को बृहस्पतिवार को मात्र 38,000, वन वीक एवरेज 40,000 है, मात्र वन मंथ के एवरेज 68,000 है। तो देखिए वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अब ये देखिए ये गिरावट अगर आपको याद हो तो देखिए यहाँ पर 80-80 रुपये से सीधा 8-9 रुपये पे आ गया था, ठीक है। ऐसे ही अक्षिता के साथ भी हुआ था, ऐसे ही गोयल के साथ भी हुआ था, तो बहुत सारे लोग इसमें फंसे थे। उस समय हमें पास बहुत सारे फ़ोन आते थे लोगों के कि क्या करें कैसे करें, और यही पहले स्टॉक्स ही हैं जो ESM के स्टेज में आए थे, ठीक है। मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था उस समय, मुझे याद है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा खासा कंसोलिडेशन वाला टाइम, उसके बाद फिर से यहाँ पर इतने रफ्तार पकड़ी है, और अभी आपको 35 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर हो सकता है 50 रुपये पे ले जाकर डंप कर दें, 70 रुपये पे ले जाकर डंप कर दें, या फिर से इसी लेवल पे ला कर डंप कर दें। और जब ये सर्किट लगता है ना, तो ये देख लीजिए आपके सामने, मैं इसीलिए देखिए चार्ट बहुत छोटा, मैं इसीलिए ये लेके आया हूँ आपके सामने, ताकि यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए आपको किस कहाँ पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आप कहीं पर बेच कर निकल पाएंगे। और फिर तो ESM की स्टेजेज हैं, तो ठीक है अभी ESM की स्टेज में चल रहा, तो ESM की स्टेज में तो वैसे ही बेच कर निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। गाइस देखिए मेरा काम है आपको समझाना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, कई जगहों से डाटा ला के आपके सामने रख देता हूँ, आपको भरसक प्रयास करता हूँ आपको समझाने का। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखिए करना ना करना तो आप ही के ऊपर है, क्योंकि मैं हमेशा जो यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ, वीडियो जितने भी मेरे होते हैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बगैर कतई नहीं करेंगे। RSI की बात करेंगे तो आपको 70.76 देखने को मिल रहा है, बढ़िया मजबूत देखने को फिलहाल मिल रहा है। तो इस तरीके के स्टॉक से वैसे तो मेरी पूरी सलाह भैया बच के रही है, जहाँ पर स्कैमर्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। और अगर लगा रही है आपका मन नहीं मान रहा तो भैया उतना ही पैसे लगाइए, जितना खो जाए डूब जाए तो टेंशन ना हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।